अम्मा वाला तो क्या क्या नुकसान हो गया? सर तो सारा नुकसान हो गया, जो राशन पानी था वो भी खत्म हो गया, बच्चे खेल रहे थे बाल बाल बचे हुए हैं, जो बर्तन थे वो सारे रुड़ गए, कपड़े थे वो रुड़ गए, दबे गए सारे, बस रोज इन ठेकेदार की वजह से हो गया। मैंने बोला था कि मक मत डालो यहाँ पर, इन्होंने जबरदस्ती मक डाल दिया, मेरे गरीबों का नुकसान पड़ गया। पहले सर बीमार, मेरा बच्चा पहले से बीमार पड़ा हुआ, हम कहाँ जाइए गरीब लोग, कभी कहाँ से मकान डालो, तो ऐसे ऐसे हालत करते हैं गरीब के साथ, हम कहाँ जाएंगे। एक बिस्तर में डिगा हुआ और दो बच्चे, इनमें बेचारे एक लड़की एक लड़का एक माँ, कहाँ जाना हमने गरीब ने, हम कहाँ से करेंगे राशन पानी। पहले बड़े बड़े लॉकडाउन लग रहे, काम नहीं होता कुछ नहीं होता, हम कहाँ जाइए। हमें ये बताओ कि हम हमारे मना करने पर भी नहीं न मानी मेरी, क्योंकि मैंने रास्ता का रोड था हमारा क्षेत्र का वो भी बंद कर दिया, बोल रहे मैं जय कोई बोल रही कि जैसा मेरा बंद मत करो ऊपर का रास्ता, तभी नहीं इन्होंने मानी मेरी, नहीं तो मटिया मक डालने में मानी है। हम कहाँ जाइए, हमें आप बताओ ये मौका कर जाए किए जाए इस जगह का, और इनका कोई कोई नहीं कोई भी दर्शन कोई अंदर रात में पानी सब खत्म हो चुका ना, ये तारे रहा वाला किस नहीं रही रहा है चोला बोरी बार जैसे सब रात में खत्म बंदे मुंडे सही था खाने था कुछ बच्चों का खाने खाने में था नूर पर ऊपर बार भाई वो इधर देख रहा थी खाने बस ना भाई भी दीदी रहा चलो और कोई नुकसान नहीं होगा सब एकरी छुरा हम सब अब हम लोगों ने दूसरा लड़की तीन काचन वगैरह सारा बुरा हाल हो गया पानी पानी और स्लेट डाले थे और रोड रड़ गए सारा कुछ कुछ नहीं बचा हुआ जल्दी वाले बोलो ये मक मत फेंक कर हां नहीं भाई ये ठेकेदार अब लो मिलो ये ठेकेदार ये मक मत फेंक के मिलो तमन द मेरे मन ने बोला मां सी बोलो जैसे ये मक फड़ाई दिया लैटर सारी निकल गई लैटर लूट में और गिरीशुर साहब लैटर लूट भी गिरने वाली समझो आप देख लो थके थे बच्चे मैं मेरे ना मन दे कोई हां प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए प्रशासन जस्ट हम तो मतलब प्रशासन हमारे मेरे गुहार इनके बारे में परिवार में सोचो कुछ बोलो कुछ नहीं कुछ सारे हेल्प करो ना हमारे गरीब के बारे में हेल्प करो खुद आके मौका करो और खुद आके देख लो आप बीड़ी से भी यहाँ पर खड़ा है और ऊपर के गांव वाले भी बच्चे खड़े हैं 9 बज गया अभी तक कोई भी नहीं आया है उस वक्त तो कोई नहीं था गांव में पता नहीं था ये क्या हो रहा है तो गांव वाले कहाँ से आना था प्रधान नहीं था यहाँ पर घर पर 9-10 बज गए आज तक इस टाइम पे तो कोई पहुंचा नहीं ना कोई पटवारी ना तहसीलदार ना कोई एडीएम ना एसडीएम कोई नहीं आया आज तक एक मेंबर आया और एक बेचारे बीडी सी पहुंचे यहाँ पर और तो कोई नहीं पहुंचा ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्रैवल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।